एक गांव में एक शंभू नाम का व्यापारी रहता था। शंभू के पास 40 मुर्गियां थीं, जिनकी वो बड़े प्यार से देखभाल करता। शंभू रोज मुर्गियों के अंडे एक टोकरी में भरता और पूरा गांव घूम घूम के अंडों को बेचता, जिससे वो पैसे कमाता। शंभू का परिवार छोटा और खुशहाल था। उसकी पत्नी जया और पुत्र राजू दोनों शंभू की मुर्गी पालने में मदद करते। एक दिन की बात है, शंभू और राजू दोनों मुर्गियों को दाना डाल रहे थे, तभी जया रोते हुए आई। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मेरे मायके से खबर आई है, माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे, तब तो हमें जाना चाहिए, लेकिन इन मुर्गियों को कौन देखेगा? पापा, मुर्गियों का ख्याल मैं रखूंगा, आप दोनों जाइए और नानी माँ को देख आइए। पर बेटा, तुम कैसे अकेले रहोगे? पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपना भी ख्याल रख सकता हूँ और इन मुर्गियों का भी। राजू संभाल लेगा, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है। पत्नी के आग्रह पर शंभू मुर्गियों को राजू के भरोसे छोड़ अपने ससुराल निकल पड़ता है। यहाँ शंभू को राजू की चिंता सता रही थी और वहाँ राजू बेफिक्र होकर मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर रहा था। थोड़ी देर में उसने बहुत सारे अंडे इकट्ठे कर लिए और राजू बहुत खुश हुआ। मैंने बहुत सारे अंडे इकट्ठे कर लिए, अब चलकर इन्हें बेचता हूँ। अंडे बेचने के इरादे से राजू एक टोकरी लेकर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही उसे अपनी पहली ग्राहक पड़ोस में रहने वाली काकी मिली। क्या हुआ राजू, आज तुम? शंभू भैया कहाँ हैं? पापा मम्मी के साथ नैनीहाल गए हैं, नानी माँ की तबीयत खराब है। चलो ठीक है। वो राजू से 4 अंडे लेती है और उसे 4 सिक्के देती है, जिसे देख राजू बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, एक अंडे का एक सिक्का मतलब 40 अंडों का 4 आना। फिर क्या था, राजू की सोच ने उड़ान भरना शुरू किया। वो चलते चलते सोचने लगा, मैं इन 4 आनों को लेकर मेले में जाऊंगा, वहाँ आसमानी झूले में बैठूंगा, बंदर का तमाशा देखूंगा, फिर गोल गप्पे खाऊंगा, फिर गुलाब जामुन, फिर खिलौनों की दुकान से बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। इस गाड़ी को मैं गांव के बच्चों को दिखाऊंगा, जो मेरी बड़ी गाड़ी को देखकर जल जाएंगे। यहाँ उसे दूसरा ग्राहक मिल गया और उसने और 5 सिक्के कमा लिए। अब राजू 7वें आसमान पे चल रहा था, उसकी सोच का कोई अंत नहीं था। चलो, 9 अंडे बिक गए, अब सिर्फ 31 अंडे और बचे हैं और सिर्फ 2-3 घंटों में मैं मेले में पहुंच जाऊंगा। राजू अपने ख्याली सपने में ही रहा था कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो फिसल गया। सारे अंडे फूट गए और साथ ही राजू के सारे ख्याली सपने भी टूट गए। इसलिए तो कहते हैं, जब तक अंडे ना फूटे तब तक चूजे ना गिनो, मतलब ख्याली पुलाव ना पकाओ। ये दादाजी, दादाजी, क्या मैं आपके लिए न्यूयॉर्क से कुछ लेकर आऊं? न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क कौन जा रहा है? दादाजी, शाइनी न्यूयॉर्क जा रहा है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे? दादाजी, हमारे स्कूल में स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन है, जीतने वालों को वो न्यूयॉर्क लेकर जाएंगे, और आपको तो पता है मैं अच्छी कहानी लिखता हूँ। ओह, मैं समझ गया, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें कॉम्पिटिशन जीतना पड़ेगा ना? मैं जानता हूँ मैं जीत जाऊँगा दादाजी, और मुझे देखने को मिलेगा द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, बैठ जाओ। ये कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले एक गांव में एक दूध वाली ताजी मलाई का मटका लेकर जा रही थी।
मुझे इस मलाई को शहर ले जाकर बेचना चाहिए, जिसके मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। उस पैसे से मैं कुछ मुर्गियां खरीदूंगी। वो मुर्गियां अंडे देंगी और बहुत सारे अंडे होंगे और फिर और मुर्गियां हो जाएंगी। फिर मैं उन मुर्गियों को बेच दूंगी। फिर जल्द ही मेरा एक बड़ा सा पोल्ट्री फार्म होगा। मैं एक बड़ा घर खरीदूंगी और उसमें एक राजकुमारी की तरह रहूंगी। मैं गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। तब गांव का सबसे सुंदर आदमी मुझसे शादी के लिए कहेगा, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं उसे ना बोल दूंगी। ओह नहीं, मेरी मलाई, मेरा पोल्ट्री फार्म, मेरा महल। हाँ? देखा बच्चों, दूध वाली फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी और इसीलिए उसने वो भी खो दिया जो उसके पास था। मतलब मुझे न्यूयॉर्क के बारे में नहीं सोचना चाहिए? नहीं, तुम सोच सकते हो, पर बहुत ज्यादा मत सोचो। पहले पूरी मेहनत करो उस कंपटीशन को जीतने की। इनाम तो बात की बात है। मैं समझ गया दादाजी, अब मैं जाकर प्रैक्टिस करता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बॉक्स में क्या है दादाजी? गेस करो। चॉकलेट्स? स्विस चॉकलेट्स। मेरा दोस्त इन्हें स्विट्जरलैंड से लेकर आया है। क्या मैं एक ले सकता हूँ दादाजी? मैं भी। हाँ बिल्कुल। क्या हम एक और ले सकते हैं? हाँ हाँ, ये सारी तुम्हारे लिए हैं। ओ नहीं, बॉक्स तो सारा खाली हो गया। मैं तो इन्हें कल भी खाना चाहती थी। लेकिन ये तो खत्म हो गई हैं। ठीक है, अब दुखी मत हो। मैं तुम्हें खुश करने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले एक गांव में एक औरत अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे और एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो इतने गरीब थे कि कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। एक दिन एक एंजल हंस के रूप में उनके पास आया। वो बहुत ही खूबसूरत था और उसके सुंदर गोल्डन पंख थे। ओह, वहाँ एक गांव दिखाई दे रहा है, मुझे देखना चाहिए। ओह, ये परिवार तो बहुत ज्यादा गरीब है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले मैं इन्हें परखूंगा। इस वक्त कौन हो सकता है? जाओ जाकर देखो। बेटी प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। ओह, तुम भूखे हो, लो ये चपाती ले लो। ठीक है, लेकिन तुम क्या खाओगी? तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें भूख लगी है ना? ये क्या, तुम कौन हो? मैं एक जादुई हंस हूँ प्यारी बच्ची। मैं तुम्हारी दूसरों की मदद करने से बहुत खुश हूँ। तुम जैसे अच्छे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में। ये गोल्डन पंख रख लो, मैं हर हफ्ते इसी वक्त पर एक गोल्डन पंख यहाँ रख दिया करूँगा, बिल्कुल इसी जगह पर। ठीक है, अब से तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। लड़की ने वो पंख अपनी माँ को दे दिया। अगले दिन उन्होंने गोल्डन पंख बेच दिया और उनसे उन्हें बहुत पैसा मिला, जिससे उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें खरीदी। और हंस अपने वादे का पक्का था, हर हफ्ते एक गोल्डन पंख उनके दरवाजे पर रख जाता। तो तुम्हें लगता होगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई होगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। हमारा दिमाग बहुत लालची और स्वार्थी हो सकता है, और यही बुरी भावना लड़की के माँ के दिमाग में आ गई। ये लड़की तो बेवकूफ है, हर हफ्ते हंस से सिर्फ एक ही पंख लेती है। अगर किसी हफ्ते हंस नहीं आया तो? माँ, ये लो हंस का गोल्डन पंख। कितना सुंदर है, इसे बाकी सबके साथ रख दो। लेकिन बेटी, मुझे डर लग रहा है। किस चीज का डर है माँ? अगर हंस आना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर वो भूल गया या मर गया? माँ,
हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम नहीं जानती, मैं बहुत बुरे दिन देख चुकी हूँ। हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इस लड़की को कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा। आहा, हंस का फिर से यहाँ आने का वक्त हो गया है, लेकिन इस बार मैं उसके लिए तैयार हूँ। ओह, ये क्या है? एक जाल? इस बार पकड़ लिया। ओह, तुम मेरे साथ क्या करोगी? रोना बंद करो, मैं सिर्फ तुम्हारे गोल्डन पंख लूंगी, उसके बाद तुम जा सकते हो। पर इनसे तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। चुप रहो। ये क्या हुआ? सारे गोल्डन पंख कहाँ चले गए? मेरे पंख गोल्डन सिर्फ अच्छे दिल वाले लोगों के साथ में ही रह सकते हैं, लेकिन तुम तो बहुत लालची हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी हंस। गुड बाय, अब तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। माँ, माँ, हमारे सभी गोल्डन पंखों को कुछ हो गया है, वो सभी वाइट हो गए हैं। ओ नहीं। तो समझ गए ना बच्चों, लालच करना बहुत बुरी बात है। अगर हम चीजों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा समय तक चलती हैं। हम समझ गए दादाजी। अब चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स का नया बॉक्स खरीदता हूँ। ये हमारे दादाजी सबसे अच्छे हैं। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।